नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। खालिस्तानी अलगाववादी का नेटवर्क देश में तेजी के साथ फैल रहा है। देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में लेने वाले खालिस्तानियों की नकेल कसने की तैयारी जोरों पर है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्शन लेते हुए NIA, ED, IB और रॉ को कड़े निर्देश दिए हैं कि खालिस्तानी नेटवर्क और उनके ड्रग ट्रैफिक मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इस सफाई अभियान में सबसे अहम भूमिका राज्य पुलिस के रहने वाली है, इसलिए उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पनप रहे खालिस्तानी नेटवर्क को कुचलने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कुछ महीने पहले दिल्ली और आसपास के राज्यों में IED और विस्फोटक बरामद हुए थे। जांच के बाद पता चला था कि इन सब में ISI और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी संगठनों का हाथ हो सकता है। जांच एजेंसियों की माने तो ये संगठन देश में बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। उसके लिए इन संगठनों को विदेशों से फंडिंग हो रही है। NIA इसकी भी जांच करेगी कि इन संगठनों को विदेशी फंडिंग कहां से हो रही है। केंद्र सरकार के टारगेट पर 5 खालिस्तानी संगठन हैं, जिनमें सिख यूथ फेडरेशन यानी कि SYF, सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ, खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट मतलब KLF, खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI जैसे बड़े खालिस्तानी संगठनों के नाम भी शामिल हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।